अगर आप कम लागत में ज्यादा मुनाफे वाले व्यवसाय की तलाश में हैं, तो बटेर पालन में हाथ आजमाएं। छोटा निवेश, आसान रखरखाव और ज्यादा अंडा उत्पादन, एक वाक्य में कहें तो अच्छी आय का स्रोत है जापानी बटेर पालन। जापानी बटेर जो है ये देखने में काफ़ी भारतीय बटेर से थोड़ी बड़ी होती है, वरना ये दूसरे पक्षियों की तुलना में ये काफ़ी छोटी होती है। मांस एवं अंडे के लिए जो है इसको भारत में लाया गया था। जापानी बटेर का जो है इसका मीट इसलिए थोड़ा विशेष है क्योंकि चिकन की तुलना में जो है इसके इसमें वसा यानी फैट और कोलेस्ट्रॉल ये दोनों ही कम होती है, और साथ ही साथ जो है इसका मीट स्वादिष्ट होता है। जापानी बटेर का एक और इसकी विशेषता है इस पक्षी की कि नॉर्मली भारत में जो है इसके लिए कोई टीकाकरण नहीं किया जाता है, वैक्सीनेशन नहीं की जाती है, तो जापानी बटेर जो है बीमारियों से जो है लगभग ये रेजिस्टेंट होती है, तो इस हिसाब से जो है इसमें टीकाकरण फार्म्स में नहीं किया जाता है। करीब 5 से 6 हफ्ता में ये करीब 200 से 250 ग्राम के आसपास हो जाती है और तब जो है विपणन के लिए मार्केटिंग के लिए जो है तैयार हो जाती है। अगर हम अंडे की बात करें तो ये 50 से 55 दिन में ये रेगुलर अंडे में आ जाती है और 20 हफ्ते तक जो है ये 90% के आसपास ये अंडा देती है, और एक जापानी बटेर जो एक साल में करीब 250 के आसपास अंडा दे सकती है। जापानी बटेर जो है हम दोनों ही तरह यानी हम गहरी बिचाली पद्धति में भी पाल सकते हैं और पिंजरे पद्धति में भी हम पाल सकते हैं। पिंजरे पद्धति अगर हम बात करें तो इसके लिए छोटी केज होती है जिसमें इसको रखा जाता है। अगर हम हमारे पास किसान भाइयों के पास जो है उतना खर्चा करने के लिए वो तैयार नहीं है तो इसको जो है हम गहरी बिछाली पद्धति में भी जापानी बटेर को पाला जा सकता है। बिछावन के रूप में जो है पेपर या फिर भूसा या फिर बुरादा इस तरीके के चीज़ जो है हम बिछावन के लिए जो है हम प्रयोग कर सकते हैं। जापानी बटेर के लिए जो है इसके लिए अलग फीड होती है। अगर हम मीट की बात करें तो क्योंकि 6 हफ्ता में इसको विपणन में लाया जाता है, इसको मार्केटिंग किया जाता है, तो पहले 3 हफ्ता जो है हम स्टार्टर देते हैं, उसके बाद ग्रोअर या फिनिशर हम देते हैं। जापानी बटेर का जो है इंडियन मार्केट में बहुत अच्छी स्कोप है। जैसे मैंने आपको बताया कि ब्रॉयलर में आए दिन जो है बीमारियां होती रहती है और इस हिसाब से जो है किसान भाई काफ़ी परेशान होते रहते हैं, लेकिन जापानी बटेर की अगर हम बात करें तो टीकाकरण हो या रखरखाव हो या जो है आपके बायोसिक्योरिटी हो यानी इनके जो है मैनेजमेंट हो, तो इस हिसाब से जो है किसान भाइयों को जो लागत रखती है जो खर्चा होती है वो बहुत कम होती है, तो इस हिसाब से चिकन की तुलना में जो है ये जो है अधिक प्रॉफिटेबल हो सकता है। देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।